हिजबुल्ला हमास ने अब एक बड़ी कसम खाई है, किस तरह से इसराइल को निस्तनाबूद करना है, खत्म करना है, इस बात की कसम अब इन दोनों संगठनों ने खा ली है और अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि अब बहुत ज्यादा दिन इसराइल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक तरह से कहा जाए कि पहले ही वार हो रहे हैं प्रॉक्सिस की तरफ से, चाहे वो हिजबुल्ला हो, हूती हो या फिर हमास हो, और आप तो एक तरह से कह लीजिए कि एक खबर आई है कि उसमें बकायदा कसम खाई गई है कि अब इसराइल को मनमानी नहीं करने देंगे, इसराइल अब वो नहीं कर पाएगा, वो नरसंहार नहीं कर पाएगा, उसे हम खत्म कर देंगे। इसके पीछे का क्या है सच? देखिए, पूरे अरब देशों में इस समय जो है वो अलक्सा मस्जिद में जो कुछ हुआ था उसकी बरसी को लेकर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे समय में हिजबुल्ला की तरफ से, हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि वो एकजुट हुए हैं, हुती के जो लड़ाके हैं वो एकजुट हुए हैं, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फिलिस्तीन पर जो हमले हुए या गाज़ा पे जो हमले हुए इसराइल के, अब उसका बदला लिया जाएगा और इसराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया जाएगा। तो देखिए, अब तक ये जो पूरी लड़ाई चल रही है इसमें ईरान भले पीछे है, पिछली सीट पे है, लेकिन लड़ाई का पूरा जिम्मा जो है वो हिजबुल्ला ने उठा रखा है। अभी हमने देखा कि पिछले 48 घंटे में इसराइल में 2 एयरफोर्स बेस पर जबरदस्त हमले हुए, कई जगह बताया जा रहा है कि 10 जगह जो है वो हिजबुल्ला के जो रॉकेट्स जो है उनसे हमले हुए। तो कुल मिला के देखिए, और उसके तुरंत फौरन बाद इसराइल की जो एयरफोर्स थी उसने लेबनान में 3 जगह एयर स्ट्राइक करी, और जहां पे जिन जगहों से ये हमले हो रहे थे जो हिजबुल्ला के बेस माने जाते हैं उनको इसराइल ने तबाह किया। तो देखिए, ये लड़ाई जो हिजबुल्ला और इसराइल के बीच की लड़ाई जो है वो अब एकदम अपने चरम पे पहुंचती जा रही है। इसी बीच में हुती की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। हुती के जो चीफ हैं अब्दुल मलिक अल हुती, इन्होंने कहा है कि भाई फिलिस्तीनियों पे जो हमले हुए हैं हम इनका बदला लेंगे, और हुती के जो संगठन है वो उसने अपील की है कि भाई आप हमारा साथ दीजिए और हम एकजुट होके जो है वो बड़ा हमला करेंगे इसराइल के ऊपर। ऐसे ही कुछ जो है वो हिजबुल्ला ने भी ऐलान कर दिया है। तो देखिए, जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये चाहते हैं कि इसराइल के ऊपर जो है तुरंत हमला हो, लेकिन ईरान, चूंकि आपने जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि ईरान जो है वो फिलहाल हमला नहीं चाह रहा है, वो इस बात को लेके चाहता है कि पहले पूरी तैयारी हो जाए और उसके बाद ही अगर हमला करना भी है तो मतलब ये हो कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि वॉर शुरू हो जाए और उसके बाद ईरान या उसके सहयोगी देश हारने लगे उसमें। तो इसलिए ईरान फिलहाल, एक तरफ तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा है, तो ईरान फिलहाल सीधा हमला करने के मूड में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इनके प्रॉक्सीज हैं ये एकजुट हैं, और ये ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी है कि ईरान भले जो है सीधा हमला ना करे, लेकिन जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्ला हो, हमास हो, ये इसराइल को चारों तरफ से घेर के हमेशा उलझाए रखें। इससे जो है इसराइल को, आप देखिए, बड़े पैमाने पर नुकसान तो हो ही रहा है। मतलब आप लगातार हमेशा आप वॉर मोड में हैं, और दूसरा ईरान, इसराइल की जो जनता है उसके ऊपर भारी दबाव है कि भाई कभी भी वॉर हो सकता है। इकॉनमी भी बहुत अच्छी नहीं है इसराइल की, और वहां के अंदर से आवाजें उठने लग गई है कि क्या हो रहा है, क्या जंग खत्म होगी, नहीं होगी, सारी बातें अंदर से ही इसराइल की उठ रही है। लंबे समय तक जब आप कोई भी देश एक वॉर वाली सिचुएशन में रहता है तो उसमें फिर कई सारी चुनौतियां होती हैं, वो चाहे पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो। तो अब ये निश्चित रूप से देखिए, एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज जो है इसराइल के वो लगे हुए हैं लगातार कि एक तरफ तो हिजबुल्ला को काउंटर करना है, हमास को काउंटर करना है, ईरान कहीं हमला ना करे तो नेतन्याहू को अपने लोगों की सुरक्षा की भी पूरी तैयारी करनी है। तो ये तो निश्चित रूप से तय है कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक ये इसराइल के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ जो है वो लगातार आपको अपडेट भी रहना है, हथियार भी जो है वो हमेशा जमा रखने होंगे कि कभी भी कोई भी बड़ा हमला हो सकता है। तो देखिए, इस पूरे एरिया में, पूरे मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसा लगता है कि एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब इन हालात में जो है प्रॉक्सीज ने जिम्मा संभाल रखा है इस पूरे कैसे इसराइल और अमेरिका को काउंटर करना है, ये प्रॉक्सीज ने। अब देखिए, एक इसका एक स्ट्रेटेजिक ये सिचुएशन ये है कि अगर हिजबुल्ला हमले करता है तो इसराइल को उसको काउंटर करना है तो वो लेबनान में अटैक करेगा। अब लेबनान में अगर अटैक होता भी है, अगर जैसे लेबनान में इसराइल के हमले होते हैं तो वो एक फुल फ्लेजेड वॉर का रूप शायद ना लें, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित हो कि भाई हिजबुल्ला के जो कमांडर्स हैं, हाँ, वहाँ पर उनके टारगेट करके, उनके जो ठिकाने हैं उसको टारगेट, जहाँ पे कमांडर्स मोसाद जैसे अभी काम कर रहा है कि जहाँ पे
हिजबुल्ला के कमांडर्स की लोकेशन मिलती है वहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है, या जहाँ से रॉकेट फायर हो रहे हैं वहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है, लेकिन एक फुल फ्लेज्ड वॉर का रूप फिलहाल ये नहीं है। तो जब तक ईरान इसमें खुल के सामने नहीं आता तब तक ये देखिए वॉर तो नहीं होगा, लेकिन वॉर नहीं भी होगा लेकिन उसके बाद भी लगातार इसराइल पे जो है वो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, रात के समय जो है ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल हमले कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए जितने एयरबेस हैं इसराइल के हमेशा अलर्ट मोड में है, बड़ी संख्या में सेना तैनात है, तो ऐसे स्थिति में ये पूरा इलाका जो है ये ऐसा है कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, और प्रॉक्सीज के हाथ में ये जंग फिलहाल प्रॉक्सीज वर्सेस इसराइल हो रखी है। और यही प्रॉक्सी वर्सेस इसराइल की जो लड़ाई है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आवाम चाहे कहीं की हो, चाहे वो गजा की आवाम हो या फिर इसराइल की आवाम हो या किसी और जगह की आवाम हो, लेबनान के अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए वहाँ की, सभी परेशान हैं। लेकिन इस तरह के हालात से तो ये बिल्कुल नहीं लगता है कि इस तरह की जो लड़ाई है या इस तरह के जो हमले हैं अभी आने वाले दिनों में रुकते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आप बने रहिए हमारे साथ।